काफ़ी लोगों का नाम लिखा है, अब इसमें देखने की बात होगी कि क्या क्या है, किनका क्या क्या रोल है। निष्पक्षता पूर्वक जो एविडेंस है उसके आधार पर जांच की जा रही है। यूपी पुलिस भी गजब है, जब अपने पर आ जाए तो वो काम कर देती है जो अच्छे अच्छे सोचकर भी ना कर पाए। यूपी पुलिस कारनामे ही ऐसे करती है। 100 साल की बुजुर्ग महिला पर रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज करने और फिर सबके सामने फजीहत कराने के बाद अब यूपी पुलिस का ऐसा ही कुछ कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर आप खुद कहेंगे बापरे यूपी पुलिस। यकीन नहीं हो रहा तो चले बुलंदशहर जहाँ की थाना आहार पुलिस ने मृत्यु के 20 साल बाद मृतक के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया है। क्या आपको यकीन नहीं हो रहा? रुकिए जरा, ये तो कुछ भी नहीं, मृतक पिता और उनके 90 साल के बेटे समेत परिवार के 10 लोगों के खिलाफ रेप की धारा में पुलिस ने FIR दर्ज की है। लेकिन अब पीड़ित परिवार थाना पुलिस की मनमर्जी के खिलाफ बुलंदशहर SSP से मिला और न्याय की गुहार लगाई। वहीं SSP ने न्याय का भरोसा दिया है। थाना आहार क्षेत्र में एक घटना घटित होने की सूचना कंप्लेनेंट के द्वारा 9 जून को दी गई, जिसपे थाना आहार में मुकदमा दर्ज किया गया है कि उनकी पुत्री के साथ गलत काम हुआ है। इस संबंध में जो उनकी तहरीर दी गई थी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और निष्पक्षता पूर्वक जो एविडेंस हैं उसके आधार पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार ही निष्पक्षता पूर्वक कार्यवाही आगे बढ़ाई जा रही है और आगे उसके निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। सर, इसमें बताया जा रहा है कि एक परिवार की 4 पीढ़ियों के खिलाफ दर्ज मुकदमा, मतलब पिता पिता दादा परदादा, उसमें करीब 8 लोगों का नाम लिखा है और कुछ अन्य अज्ञात लोगों का नाम लिखा है। ये बात सही है कि एक परिवार के काफ़ी लोगों का नाम लिखा है, अब इसमें देखने की बात होगी कि क्या क्या है, किनका क्या क्या रोल है। बता दें कि पूरा मामला आहार थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने एक ही परिवार के 10 लोगों के खिलाफ रेप और मारपीट की धाराओं में FIR दर्ज कराई है। दर्ज FIR के मुताबिक आहार थाना क्षेत्र के रहने वाले पिंटू ने पीड़ित की बेटी को शादी का झांसा देकर 2 वर्षों से शारीरिक शोषण कर रहा था। पीड़िता ने जब शादी करने की बात कही तो आरोपित पिंटू, उसके परिजन अजय, सोनू, महेश, राकेश, सुखपाल, थान सिंह और 4 अन्य अज्ञात उसके घर में घुस गए और पीड़िता और उसके परिजनों के साथ मारपीट की गई। शोर शराबा होने पर आरोपी हत्या की धमकी देते हुए फरार हो गए। वहीं पीड़िता के पिता का आरोप है कि सभी आरोपियों को वो जानता भी है और पहचानता भी है। सभी आरोपियों के हाथ में लाठी डंडे और धारदार हथियार थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 6 जून 2023 को आरोपी युवक और उसके 7 परिजनों, जिसमें लड़के के 2 चचेरे भाई, 1 सगा भाई, ताऊ, बाबा और परदादा के खिलाफ दुष्कर्म और घर में घुसकर मारपीट और हत्या की धमकी आदि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। लेकिन SSP कार्यालय पहुंचे पीड़ितों ने बताया कि सुखबीर सिंह उनके परदादा हैं और 20 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि जिस पुलिसकर्मी ने FIR दर्ज की उसने एक बार भी मामले में जांच नहीं की और सीधे FIR दर्ज कर दी। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में पुलिस कला अधिकारी इस बार क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये मामला सबको हैरान करने वाला है। पंजाब की CCTV के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट।